टोबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन तो आपने देखा ही होगा, जब वो सूट पहनते हैं या कहीं भी उनको पहनना पड़ जाता है तो वो कौन सी पॉकेट में से अपना मास्क निकालते हैं या मतलब कहाँ पे रखते हैं, चलिए देखते हैं। आपने इनको देखा ही होगा, जब भी इनको सूट अप करना होता है ये भागते रहते हैं, शर्ट खोलते हैं सीधा सूट अप कर लेते हैं, मास्क कहाँ से टपका आता पता नहीं है। नो वे होम में भी ऐसे ही हुआ था, बस टॉम हॉलैंड के पास नैनो टेक्नोलॉजी है तो उसको तो ज़रूरत है नहीं, बाकी इन दोनों को तो है ना, नहीं तो रखना पड़ेगा पुड़िया बना के जेब में। किसी दिन जेब में रखना भूल गए मास्क की पुड़िया तो बस हो गई आइडेंटिटी रिवील। जैसे कॉमिक्स में तो जाने कितनी बार इन्होंने आइडेंटिटी रिवील कर रखी है स्पाइडरमैन की। एक बार तो अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 12 में डॉक्टर ऑक्टोपस ने पीटर पार्कर की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी, मतलब उसने बेटी ब्रांड को जो डेली बिगल का उसमें काम करता था तो उसने उसको किडनैप कर लिया और फिर स्पाइडरमैन गया और उसने उसको आराम से हरा के उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी, यूं ही कर दी बस। और एक बार तो अमेजिंग स्पाइडरमैन के इशू नंबर 87 में जिसमें स्पाइडरमैन को फ्लू हो जाता है जिसकी वजह से उसकी पावर डिसअपीयर होना चालू हो जाती है, तो उससे उसको लगता है कि मुझे अब सबको बता देना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ, और वो गवेन स्टेसी की बर्थडे पार्टी में सबको बता देता है बस। और साला एक बार तो इशू नंबर 105 में उसके पीछे एक स्पाइडर स्लेयर लग जाता है, वो बहुत मज़ेदार स्टोरी थी, मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, वो जो जासूस होता है ना स्लेयर, वो उसका पीछा करता रहता है, तो जैसे स्पाइडरमैन जाता है कपड़े बदलने के लिए गली गली में जाकर तो बदलता ही है, वो चेंजिंग रूम तो है नहीं उसके पास, जाता है गली गली में बदलने के लिए तो वहीं पे उसको धर लेता है, वहीं पे उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है, बहुत फनी मज़ा आता है। और एक इशू में तो जब स्पाइडरमैन घर पे आता है आके कपड़ा उतार के ऐसे कहीं भी फेंक के सो जाता है, बस आती है आंट में और नीचे कपड़े पड़े हुए देख लेती है स्पाइडरमैन के, बस एक वहाँ पे आंट में को भी पता चल जाता है कि वो स्पाइडरमैन है। और जगह भी रिवील हो गई थी, दो तीन जगह सिविल वॉर में, एक बार जे जोना जेम्सन खुद कर दी थी, अगर वो सब भी आप जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और कुछ स्पाइडरमैन के बारे में जानने को मिला हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, और कमेंट्स पर अपने सजेशन देना मत भूलना कि मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊँ, इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊँ या कुछ भी जो आपके मन में हो, बस गालियाँ मत देना प्लीज़। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।